खिलाड़ी का नाम बोला जाए वो एक बार थोड़ा हाथ ऊपर करते हैं। प्रदीप यादव ये प्रो कबड्डी का खिलाड़ी है गुजरात के लिए, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। और भाई आशीष बजाज अब आदमपुर जिला चरखीदादरी मोहित हुए हैं और निशान नितिन नितिन बहुत ही अच्छा रेडर है और नौ नंबर जर्सी का खिलाड़ी भी आज के इस टूर्नामेंट का सुपर स्टार रेडर है सोनू गांव मुरला, बहुत अच्छा बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छी टीम आपके बीच में है। आगे से बच्चा आ गया आप भी हाँ लाइन अप कर लेते हैं दो टीमों को। और दूसरी तरफ भाई ये पैसवाल की टीम बड़ी बड़ी टीमों को यदि कोई टीम काट सकती है किसी टूर्नामेंट में तो भैंसवाल की टीम है। और आज तो वैसे भी इन्होंने कवर पोजिशन के दोनों खिलाड़ी राहुल लाखन माजरा के मेरा रखे जिन्होंने रुपए के टूर्नामेंट जीतने का काम किया था, बेस्ट डिफेंडर रह चुके हैं, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी इन टीमों आदरणीय सरपंच अभिनंदन सिंह चौहान जी भाई क्या करते हैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों से। और सरपंच साहब और हमारी तिवारी जी कमेटी के सभी साथी इनको आशीर्वाद देते हुए ऑफिसर ग्रुप फोटो करवा लेना भाई। हाँ आओ जाओ हाँ ये बच्चे हैं बिल्कुल आपके अपने हैं, खिलाड़ी किसी जाति धर्म किसी क्षेत्र से नहीं होते, कोई भी नहीं होगा तो ऑफिसर का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। बैठो भाई बैठो। आने वाली 17 तारीख को गाँव राजगढ़ में नेशनल स्टाइल कबड्डी का टूर्नामेंट है, बड़ी अच्छी अच्छी टीमें आपके बीच में आएंगी। 9 तारीख को गांव टाकड़ी में टूर्नामेंट है, बड़ी अच्छी अच्छी टीमें आपके बीच आएंगे। और 7 तारीख को शुरुआत रेड पहली रेड होगी भाई का मुकाबले भैंसवाल की टीम की तरफ से, बढ़िया मैच दिखाना तो सोच रहे नहीं दोनों टीमें सहमत है इस बात पे। फाइनल मुकाबले की पहली रेड भैंसवाल की ओर से और अमन 11 नंबर की जर्सी में फिलहाल रेड करते हुए अमन क्या चमन कर पाएंगे क्या चमन खिलेगा फिलहाल अमन 11 नंबर की जर्सी में। और सामने टीम है अरुण काकर की डाणी, काकर की डाणी बड़ी अच्छी टीम है काकर की डाणी। और भैंसवाल की टीम बिल्कुल आमने सोनू मुरलाना बिल्कुल इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन और सेमीफाइनल मुकाबले का बेस्ट रेडर फाइनल मुकाबले में पहली रेड करते हुए सोनू ग्रीन आर्मी अरुण काकर की डाणी फौजी थे तो वो सीन आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये पूरे के पूरे फौजी खेल रहे हैं बाबा जिंदा की कृपा से फाइनल मैच खेल रहे हैं जो साफ से 1994 का सीन याद आया। थैंक यू कृष्ण कोच साहब इस जानकारी को साझा किया आपने सभी दर्शकों से। सातों फौजी नहीं है जंगल में ये आखिरी मुकाबला है कबड्डी का, कल सिर्फ इनकी यादें रहेंगी एक साल के लिए। अब प्रदीप यादव कोल्लू गाँव मोकोवा जिला गुड़गावा बिल्कुल राम किशन अखाड़ा जिस गांव का फेमस है पूरे हिंदुस्तान में कुश्ती का उसी गांव का खिलाड़ी है कच का गाँव ग्रीन आर्मी दो में फिलहाल अमन अमन के लिए और अमन को पॉइंट अर्जित करना जरूरी। और अब अमन उर्फ बाबा बड़ा अच्छा रेडर है अमन उर्फ बाबा सागर और आशीष के गांव की वकील साहब मैं आपको बताऊं गांव पड़ता आतमपुर और उसमें प्रत्येक एशियन गेम में कहीं ना कहीं कोई महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो उसके गांव से खिलाड़ी रहे हैं विक्की कोच साहब सोमला नितेश प्रियंका बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए कबड्डी खेली है एशियन गेम में बहुत अच्छे खिलाड़ी समय समय राशि प्रतियोगिता का यह फाइनल मुकाबला फिलहाल ग्रीन आर्मी वर्सेस भैंसवाल की टीम के बीच शुरुआती क्षणों में फिलहाल ये मुकाबला स्कोर बताना चाहिए अब स्कोर 2-1 का स्कोर बिल्कुल 2-1 ग्रीन आर्मी की ओर से सुपरस्टार रेडर 6 का डिफेंस प्रदीप के सामने बोनस ऑन है बढ़िया
बाजे बिल्कुल सेंटर लाइन के पास शानदार रेड पर है। कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार इन्होंने सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को जो किराए के रूप में मान सम्मान किया वो बहुत अच्छी बात है कि भाई क्योंकि सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को कम से कम किराए तो मिले और इन्होंने बगैर किसी पर्चे में लिखी खबर के हिसाब से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी का धन्यवाद। आगे जब भी टूर्नामेंट होंगे कभी भी गांव काकर में कोई कबड्डी प्रतियोगिता होगी खिलाड़ी बड़े जोश और उत्साह के साथ इस गांव में पहुंचेंगे क्योंकि इनको पता है कि भाई कमेटी बहुत अच्छी है खिलाड़ियों को करती है। पर शुरुआती छोड़ा में तीन खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर प्रदीप यादव रेड पर बहुत अच्छा खिलाड़ी है वकील साहब राजस्थान के लिए नेशनल और गुजरात के लिए करो राज ग्रीन आर्मी के लिए काकर की ढाणी के लिए खेलता हुआ भाई सुपर टैकल और प्रयास बड़ी अच्छी डिफेंस है टीम यार तूफान से पहले एक शांति तो मैच है शांति से और अब एक तूफान सोनू राम का तूफान ग्राउंड पर भाई सुपर साफ हो सके सोनू मुडलाना बड़ा अच्छा खिलाड़ी है बहुत ही अच्छे स्वभाव का खिलाड़ी है। टच कर दिया भाई एक गांव के तीन खिलाड़ी लखन माजरा के खेल रहे हैं दर्शक साथियों मोनू राठी प्रियांशु रमेश दो खिलाड़ी भैंसवाल में एक खिलाड़ी ग्रीन आर्मी में एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं। रिंकू कोच साहब को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने जिस प्रकार के बच्चे तैयार किए हैं एक ही फाइनल मैच में आमने सामने मोनू काफी अनुभव आर्मी जो आर्मी की सर्विसेज टीम जो होती है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है रेड और ग्रीन तो ये ग्रीन की टीम है सोनू मुडलाना इस समय रेड पर लगातार रेड करते हुए सोनू ऑल आउट का खतरा फिलहाल भैंसवाल की टीम पर बन रहता हुआ टू और डाई रेड सर सोनू को साहब बोल रहे हैं कि कमेटी ने बहुत बड़ा भाई वैसे भी बाबा जिंदा का मेला अपनी कुश्ती के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता है और कल बहुत अच्छी कुश्तियां होंगी तो कुश्तियों के प्रेमी बाबा के मेले के प्रेमी बाबा के भगत कल जरूर पहुंचेंगे। भाई ये इतने नामी ऑफिशियल्स हैं देखिए खेल के प्रति प्रेम ये जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सिंगर में कृष्ण कोच साहब है और इतनी बढ़िया कमेटी तो भाई चमत्कार तो होगो बिल्कुल होगो और जिंदा बाबा को आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल और आपका ही चलती हुई ठीक है भाई अरुण का है अरुण काकर काकर की ढाणी भाई देखिए भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी टीमों को यहाँ वो सुबह आते ही लग गया था इन कार्रवाई में कि कौन सी टीम काकर के नाम से खेलेगी लेकिन भाई ज्यादा खुशी जब होगी जब काकर के नाम से खेलने वाली टीम में काकर के बच्चे हो तो ये जतिन फोगाट सांजरवास चरखी दादरी जिले में गांव पड़ता है फोगाट सांजरवास पीछे जो कुर्सी पे जो शख्सियत बैठी है वो भूपेंद्र फोगाट उनका ये बेटा है और बहुत अच्छे उसे बड़ी बड़ी इस काबिल बनाया और इसकी मेहनत ने इसको यहाँ तक पहुँचाया कि बाबा जिंदा फिर जैसे बड़े मेले में फाइनल मैच में ये टीम भैंसवाल खेल रही है अपने पूल की सभी टीमों को मात देकर भैंसवाल यहाँ तक पहुंची है। प्रदीप इस समय रेड पर बड़ा अच्छा खिलाड़ी है राजस्थान में कार्यरत है ये सरकारी विभाग में और वो गुजरात के लिए प्रो कबड्डी खेलता है। इस साल के सीजन की बात करें तो ग्रीन आर्मी के साथ मिलकर इसने लगभग पिछले 15 टूर्नामेंटों में लगातार फर्स्ट पोजीशन उठाई है। एक टूर्नामेंट इनका लूज रहा यानी कि 16 में से 15 टूर्नामेंट जीत लिया लेकिन फाइनल मुकाबले का जो रोमांच था उस तरह का मुकाबला देखने को नहीं मिला दर्शकों को सोनू भाई बिल्कुल एक तरफा मुकाबला रहा बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हो गया सर स्कोर की बात करें पर भाई एक का स्कोर हो चुका है कभी भी हाथ मिलाया जा सकता है क्योंकि समय कम है और लीड बहुत बड़ी हो गई है। ग्रीन आर्मी की टीम एक मैच में थोड़ा लूज खेलकर अपने आप को दोबारा से इतना वार्म अप किया इन्होंने तैयार किया कि चाहे सेमीफाइनल की बात हो चाहे फाइनल की बात हो मैच को क्लोज नहीं आने दिया। एक जो ग्रीन आर्मी के खिलाड़ियों के दिमाग में था कि मिट्टी का ग्राउंड है यदि मैच आसपास रहेगा तो किसी भी दिशा में जा सकता है मैच को नजदीक नहीं आने दिया
बड़ी अच्छी टीम है और अब भैंसवाल की टीम को भी पता है कि इस टूर्नामेंट में सेकंड पोजीशन के अलावा और कुछ नहीं है हमारे हाथ में। आखिरी जो एक तो प्रयास है वो जतिन और अमन द्वारा किए जाएंगे। जतिन इस समय रेड पर बहुत अच्छा युवा रेडर है लेकिन सामने एक मजबूत टीम और भाई एक और कैच किया है अरुण कांकर की दाढ़ी। मोनू राठी के बारे में माना जाता है कि भाई इसकी दाढ़ी और जब ये सामने अड़ता है तो अच्छे अच्छे रेडरों से नहीं कैच लगाता है। 17 नंबर जर्सी का खिलाड़ी भारतीय थल सेना में कार्यरत है मोनू राठी। अमन लगातार रेड करते हुए फिलहाल रेड पर साथ का डिफेंस अमन के सामने। भैंसवाल टू ऑल आई रेड और जितनी भी टू ऑल आई रेड आई है सभी में सोनू के द्वारा रेड की गई है और एक बार भी टैकल नहीं हुई टू ऑल आई रेड में सोनू और महिला चार का डिफेंस। जी वकील साहब आपने बड़े अच्छे से ध्यान दिया सोनू के मैच पे और मैं बता रहा था कि पिछले लगातार 15 टूर्नामेंटों का बेस्ट रेड रहा है जब भी टीम को जरूरत पड़ती है स्कोर करता है। एक बार फिर से टच पॉइंट का दावा किया है सोनू ने बिल्कुल पॉइंट अर्जित कर लिया अपनी टीम के लिए। अमन एक बार फिर से रेड पर अंतिम 2 मिनट का समय बाकी इस मुकाबले में। और अच्छा खासा टच किया प्रदीप को टच किया है प्रदीप बाहर जाएंगे। भाई बिल्कुल वन साइड मैच कर दिया क्योंकि भारतीय थल सेना की बहुत ही मजबूत टीम है। भैंसवाल की टीम भी बड़ी अच्छी टीम थी और लेकिन पिछले मैच में बहुत अच्छे से राजीव गांधी टीम को वन साइड हराया था लेकिन और अब स्वीकार कर लिया है।